पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे लेकर वे विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को लेकर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती पर निशाना साधा और विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का एक तथाकथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। साथ ही इस वीडियो को लेकर विधायक विवादों में घिर गए हैं। आगामी 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का यह वीडियो सामने आने से बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेताओं ने अब इस मुद्दे पर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को घेरने का प्रयास किया है। साथ ही बीजेपी द्वारा इस वीडियो को लेकर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का जो तथाकथित वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि बीजेपी के जो कट्टर कार्यकर्ता है उन्हें चमकाना होगा। हालांकि पब्लिक टाइम्स इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर वीडियो में विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा है। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপি ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের জিনিস। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। वहीं दूसरी तरफ पांडवेश्वर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अब समझ में आ गया है कि जनता को अगर वोट देने का अधिकार मिला तो तृणमूल कांग्रेस की हार निश्चित है। विधायक को इस तरह से वोटरों को धमकाना शोभा नहीं देता है। না তার মানে একটা জিনিস উনি বুঝেছেন যে বিজেপি লোকেরা যদি ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় তাহলে ওনারা হারবেন, এটা উনি বুঝেছেন। আর এই ধরনের ধমকি দিচ্ছেন, এটা না দিলেই ভালো হয়। উনি তো অনুব্রত মণ্ডলের শিষ্য, তো অনুব্রত মণ্ডল তো কিছুদিন পর হয়তো জেলের মধ্যে থাকবেন, তো এই ধরনের ধমকি যদি দিতে থাকেন তাহলে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে লুডো খেলার জন্য জেলেতে এক দুজন লাগবে, তখন হয়তো এনাকে যেতে হবে। এইগুলো না করলেই ভালো। সন্তোষ মণ্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। पश्चिम वर्धमान जिले में पहली बार आपके शहर रानीगंज में कल्याणी ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं शानदार लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज वाले कोमा के इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर, जहां आपको मिलेंगी जापानी टेक्नोलॉजी युक्त इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूशियर बाइक कोमा की रेंजर, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कोमा की TN95। यहां आपको मिलेगी बैंक लोन की सुविधा। हमारा मोटो है राइट कोमा की, गो इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। कल्याणी ऑटोमोबाइल्स, NH2 पंजाबी मोड, रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 7044743675।